श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दिल्ली यूनिवर्सिटी के कांग्रेस प्रणित एनएसयूआई के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इन छात्रों का ऐसा कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस सेमिनार के आड़ में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हिंदू एजेंडा और राजकीय हेतु को बढ़ावा दे रहे हैं। इस सेमिनार में राम जन्मभूमि ये एक ऐतिहासिक वास्तु है, इसके कानूनी और भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ प्राचीन मंदिर होने का प्रमाण देने वाले थे और इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले थे। टुडे इज बेसिकली अ स्कॉलरली सेमिनार वेयर वी आर ब्रिंगिंग स्कॉलर्स इन आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, लीगल प्रोफेशन, all of them, vice chancellors are there, professors are there, and they are all coming together to discuss, have we got solid proof that there was a temple, what is that solid proof, and what is the legal basis for doing it. We are getting very eminent lawyers also, so I think this is a purely academic conference. सूत्रों के मुताबिक इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे अनेक और अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों का इससे भी पहले आयोजन हुआ है। यहाँ तक ताज्जुब की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज ये एक क्रिश्चियन समाज का घटक कॉलेज है। इस कॉलेज में क्रिश्चियन समाज को एडमिशन के वक्त एक विशेष कोटा दिया गया है। फिर क्यों नहीं कांग्रेस ने कभी इस एडमिशन के जाति भेद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आइए अब बात करते हैं राम जन्मभूमि की। न सिर्फ मुस्लिम नेताओं ने माना बल्कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये तक माना है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्राचीन मंदिर था। ऐसे में एक सवाल उठता है, कांग्रेस द्वारा किया जाने वाला ये विरोध प्रदर्शन कोई राजकीय उद्देश्य तो नहीं हो रहा है, या फिर ये लोग चाहते नहीं कि राम मंदिर का मसला जल्द से जल्द हल हो और इस पे कोई शांततापूर्वक बात हो। Well, peaceful protest, no problem. That is democracy. But if they do violence, then the police will have to act. And then what happens to their propaganda that there is intolerance in the country? Whose intolerance is it? They say their intolerance is okay, but our intolerance is not okay. अब कहाँ गए वो बुद्धिजीव जिन्हें हिंदू कुछ भी बोले तो वो असहिष्णुता लगती है। और यहाँ पर कांग्रेस प्रणित एनएसयूआई के जो छात्र हंगामा कर रहे हैं, क्या ये सहिष्णुता है?